एक्टिव पैसिव का पार्ट 8 बता रहा हूँ मैं आपको, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, अमीन एजुकेशन एक्टिव पैसिव। और अमीन एजुकेशन के अलावा जो सर अमीन एप टेकिंग है उसमें एक्टिव पैसिव की प्लेलिस्ट भी है। तो देखें, सम मीट वॉज कुक बाय हर, तो गौर से देखो पहले ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, ठीक है। सम मीट वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो आंसर कैसे होता है, ये पास इंडेफिनेट है, तो पास इंडेफिनेट में एक्टिव को लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो आखिरकार यह सब्जेक्ट है क्या, हर है भाई, तो क्या हो जाएगा, शी कुक्ड सम मीट, सम मीट पूरे का पूरा सब्जेक्ट था, शी कुक्ड सम मीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें, टू कप्स वर बाउड बाय हर, तो जनाब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सॉरी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो बिल्कुल वही पैटर्न होगा, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी के बोले तो शी बाउड टू कप्स, लेकिन मेरे भाई जब नेगेटिव का मामला आ जाए पास इंडेफिनेट में कैसे पता चलेगा, नॉट से, एग्स वर नॉट सिलेक्टेड बाय देम, भाई खराब होंगे नहीं लिए उन्होंने। तो देखो यहां क्या फॉर्म आ गई, एग्स ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देन सब्जेक्ट। अब इसमें एक बड़ी खास बात, इसको एक्टिव में करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ डी आएगा, डी से मुराद डेट, और फिर नॉट, फिर वर्ब लेकिन थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, यस, देन ऑब्जेक्ट, शी डिड नॉट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एक्स, शी डिड नॉट सिलेक्ट एक्स, शी डिड नॉट सिलेक्ट एक्स, जी बिल्कुल, ओके डियर्स। और दे में तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट सिलेक्ट एक्स। फिर देखें, वर टू लैम्प्स लिफ्टेड बाय हर, लाइटेड बाय हर, वर टू लैम्प्स लाइटेड बाय हर। अब देखो वर्ब जनाब, ये आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वर आ यानी हेल्पिंग वर्ब, टू लैम्प्स ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो ये कैसे होगा भाई, जब भी इंट्रोगेटिव हो रहा है तो भाई पहले तो डिड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में शी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने जब खाली भी लिखा था असल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइट क्या हो जाएगा जी, टू लैम्प्स, ओके डियर। लेकिन जब डब्ल्यू वाले क्वेश्चन आ जाए यानी वाई व्हाट वेयर, तो क्या पैटर्न होगा, जैसे करेंगे वाई आई वॉज नॉट मिल्क बाय हिम टू डिनर, वाई आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय हिम टू डिनर, यार उसने इन्वाइट ही नहीं किया, गंदा बच्चा। तो देखो वाई है, फिर डब्ल्यू यानी के वॉज या वर जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा, आई आई मैं ऑब्जेक्ट हूँ जहन में रखें, नॉट इन्वाइटेड, इन्वाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, आगे टी ओ टू टू डिनर लिखा है। ये चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा मॉडिफायर वगैरह के हवाले से कि क्या होती है, फिलहाल हम बात एक्टिव पैसिव की कर रहे हैं, टू डिनर मॉडिफायर के तौर पे वो वैसे ही रहेगा, एंड में सेंटेंस क्या आ जाएगा। अब पैटर्न क्या होगा आंसर का, पहले वाई आएगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और टू डिनर मैंने कहा था वैसे ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई डिड ही, ठीक है ना, नॉट इन्वाइट मी टू डिनर, वाई डिड ही नॉट इन्वाइट मी टू डिनर। देखो ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, अरे एक्टिव पैसिव मेरी जितने वीडियोज़ हैं एक्टिव पैसिव पे आप कर लो, और ये जाहिर है अभी पार्ट 8 है, इंशाल्लाह इसको बहुत एडवांस लेवल तक कराना है मैंने आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों जो कहीं टेस्ट दे रहे हो, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, तब तक आप देखो। देखो एक मेरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट, IQ की प्लेलिस्ट, जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट, चाइनीज लैंग्वेज की प्लेलिस्ट, ये तो ऐसी हैं जो सदाबहार है भाई, हमेशा आपको सारी लाइफ में काम आती रहेंगी, ठीक है, बुढ़ापे में भी काम आ ही जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये बहुत बहुत काम की ट्रिक्स हैं,
जिनसे आप इंशाल्लाह बहुत पावरफुल हो जाओगे एक्टिव पैसिव में।